अगर आपका भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आप अपना समग्र आधार ईकेवाईसी बायोमेट्रिक यानी कि फिंगरप्रिंट के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो किस प्रकार से आप सीएससी के माध्यम से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट लगाकर अपना आधार कार्ड से समग्र आईडी को लिंक करवा सकते हैं, फिंगरप्रिंट के माध्यम से आधार ईकेवाईसी कंप्लीट करवा सकते हैं, इसकी लाइव प्रोसेस इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको बताने वाले हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिए। बायोमेट्रिक से समग्र आधार ई के वाई सी करने के लिए सबसे पहले आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको डिजिटल सेवा पोर्टल का दिखाई देगा। ऊपर में ही सर्च बार में आपको सर्च में आपको टाइप करना है ई के वाई सी। जैसे आप ई के वाई सी सर्च करेंगे देखेंगे ऊपर में ही समग्र ई के वाई सी सर्विस करके आपको दिखाई देगी। सिंपली आपको समग्र ई के वाई सी उस सर्विस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पर आएंगे। यहाँ पे देखेंगे समग्र सामग्री सुरक्षा मिशन, यहाँ पे डिजिटल सेवा कनेक्ट करके ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप डिजिटल सेवा कनेक्ट के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। जैसा कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें आप देखेंगे आपकी सी एस सी आई डी, आपका नाम और स्टेट। सिंपली नीचे आपको प्रोसेस्ड का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन और इंटरव्यूअर समग्र आईडी, यानी कि आप जिसका भी बायोमेट्रिक के माध्यम से ई के वाई सी करना चाहते हैं उनका 9 अंकों का जो समग्र आईडी है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। सदस्य आईडी 9 अंकों का वही फिल करना है। उसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है, नीचे आपको सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप समग्र आईडी फिल करके सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे देखेंगे अंकित की गई समग्र आईडी में ई के वाई सी उपलब्ध नहीं है, ई के वाई सी करने के लिए आगे प्रस्थान करें, तो आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको सदस्य आईडी देखने को मिलेगी और नीचे आपको एक कैप्चर कोड भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं, कृपया अपनी समग्र आईडी प्रविष्ट करें ताकि आप अपना आधार लिंक करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको सदस्य आईडी फिल रहेगी, नीचे आपको कैप्चर कोड फिल कर देना है और खोजे का जो ऑप्शन है नीचे, इस खोजे के जो ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको नीचे खोजे का जो ऑप्शन है इस पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप खोजे के इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया मोबाइल नंबर दर्ज करें, तो आपको यहाँ पे ओके बटन का जो ऑप्शन दिखाई देना है, यानी कि आपके मोबाइल समग्र आईडी मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है तो आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और नीचे आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। अपना नया मोबाइल नंबर दर्ज करें, आपका जिस समग्र आईडी से लिंक करना चाहते हैं जो भी मोबाइल नंबर ऐड करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और ओटीपी भेजे के इस ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओटीपी भेजे के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके द्वारा दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया गया है, आपको ओटीपी भेज दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी भेजा गया है वो ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी को आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दर्ज कर देना है, ओटीपी को प्रविष्ट कर देना है और सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही सदस्य की यहाँ पे जानकारी आ जाएगी, जिसमें सदस्य का समग्र आईडी, सदस्य का नाम, सदस्य का जेंडर और सदस्य का पूरा एड्रेस, और नीचे आप देखेंगे क्या आपके पास मध्य प्रदेश में भूमि है, अगर भूमि है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको जिले का चयन करना है, तहसील का चयन करना है, गाँव का चयन करना है और सर्वे नंबर यहाँ पे चयन करके आपको भूमि को ऐड करना है, मतलब आपको भूमि को भी यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास भूमि नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है और आगे बढ़े का जो ऑप्शन है नीचे उस आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। हमारे पास भूमि नहीं है, हम नहीं पे क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे। यहाँ पे आपको सदस्य समग्र सदस्य आईडी, परिवार आईडी, नाम और लिंक, और नीचे आपको देखने को मिलेगा आधार और वर्चुअल आईडी। सिंपली अगर आप ई के वाई सी आधार कार्ड नंबर से करना चाहते हैं या वर्चुअल आईडी से करना चाहते हैं, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। हम यहाँ पे आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन चूज़ करेंगे, आधार कार्ड का ऑप्शन चूज़ करेंगे और नीचे आप देखेंगे अपना आधार नंबर दर्ज करें, तो सिंपली आपको 12 डिजिट का जो आधार कार्ड नंबर है, जिस भी हितग्राही का आप ई के वाई सी कर रहे हैं उनका आधार नंबर फिल कर देना है 12 डिजिट का। उसके बाद नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ओटीपी के द्वारा या बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट के द्वारा।
तो सिंपली हम यहाँ पे फिंगरप्रिंट यानी कि बायोमेट्रिक लगाकर ई केवाईसी करने वाले हैं, तो बायोमेट्रिक का ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे बायोमेट्रिक का ऑप्शन चूज़ करने के बाद चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे बायोमेट्रिक द्वारा मशीन पर आवेदन की फिंगरप्रिंट लगाकर आधार सर्वर से आवेदन की ई केवाईसी की जानकारी प्राप्त करें। यानी कि आपको सर्वर से जोड़ना है, इसलिए आपको उसी इस लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे आपका सर्वर से यहाँ पर लिंक हो जाएगा। लिंक होने के बाद यहाँ पर आपकी मोर्फो डिवाइस यहाँ पर सर्वर से अटैच हो जाएगी। इसमें आपको मोर्फो आपका जो डिवाइस है, जो भी आपका डिवाइस लगा हुआ है, उस डिवाइस का नाम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद नीचे देखेंगे आवेदक की उंगली को मशीन के लेंस पर रखकर फिंगरप्रिंट कैप्चर करें। तो सिंपली आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी मोर्फो या जो भी आपकी डिवाइस लगी हुई है उसकी लाइट जल जाएगी और आपको फिंगरप्रिंट लगा देना है। जैसे आपका फिंगरप्रिंट यहाँ पे मैच होता है यानी कि लगता है, लगने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। ई के वाई सी थॉट फिंगरप्रिंट ग्रीन कलर में, सिंपली आपको इस ई के वाई सी थॉट फिंगरप्रिंट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे, जिसमें समग्र आईडी के अनुसार और आधार के अनुसार दोनों ही यहाँ पे नाम दिखाई देंगे, लिंक दिखाई देगा, जन्मतिथि दिखाई देगी और पता दिखाई देगा, जिसमें आपको हितग्राही का फोटो भी दिखाई देगा। यहाँ पे पूरा ही आधार से दिखाई देगा। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, नीचे चेकबॉक्स पे क्लिक करने से पहले देखेंगे मैं अपना नाम, जन्मतिथि एवं लिंक आधार से लिंक परिवर्तन करना चाहती हूँ, मैंने अपने समग्र आईडी में आधार लिंक किया है। आपको चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नीचे स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजे पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस अगर दिखाई देता है तो आपका समग्र आईडी यहाँ पे हो चुका है, यानी कि समग्र आधार से लिंक यहाँ पे हो चुका है, यानी कि अंडर प्रोसेस में पहुँच चुका है। अब आपकी ग्राम पंचायत से या जनपद पंचायत से वेरीफाई करके, वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपका समग्र आईडी आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। यहाँ पर अगर इस तरह का एरर दिखाई देता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपका प्रोसेस हो चुका है, ये एरर आपको देखने को मिल रहा है और आपका समग्र आधार से लिंक हो चुका है।